देखिए, बिहार में जो सरकार है, बिल्कुल सही बात आदरणीय मंत्री सैनी जी ने कहा है, मैं पहले भी कह रहा था, कोई भी पदाधिकारी कोई प्रोटोकॉल भी नहीं जानते कि विधायक का क्या प्रोटोकॉल है, मंत्री का क्या है, किसी की बात कोई नहीं सुनते, कोई काम नहीं होता है। आप कोई भी जाइए, मंत्री के सामने भी जाते हैं वो लोग, तो ऐसे बात करते हैं जैसे लगता है कि वही मंत्री हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में कुछ अधिकारियों के कब्जे में पूरा सरकार है, और ये पूरा बिहार ही पदाधिकारियों के कब्जे में हो गया है। कोई प्रतिनिधि, 243 विधायक है, ईमानदारी से कोई बताए कि क्या आपका कोई भी पदाधिकारी आपकी बात सुनता है? और आज आदरणीय मंत्री सैनी जी ने इस्तीफा दिया, क्यों दिया? उन्होंने खुद कहा है कि अपर सचिव उनका उनकी बात चपरासी तक बात नहीं सुन रहा है। बिल्कुल उन्होंने सच कहा है, सारे पदाधिकारी काम छोड़ के सब लोग लूट में मचे हुए हैं, लूट करते हैं, काम करता है, कहीं कोई कुछ नहीं। सब यही जनता कहती है, सब लोग लूट, जहां जाओ पैसे मांगता है। इसलिए मैं आपको माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा, आपके कुछ पदाधिकारी, 90% पदाधिकारी किसी विधायक का किसी मंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं। यह आपको आईना दिखाया है सैनी जी ने, और ज्ञानू जी ने भी, एक विधायक है हमारे बीजेपी के, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि साहब जो मंत्री बीजेपी के हैं वो सिर्फ वसूलने में, पैसा कमाने में लगे हुए हैं। अब तो एक विधायक बोल रहा है उनकी पार्टी का कि एनडीए की सरकार, पहले कहती थी कांग्रेस टूट रहा है, अरे आप अपना जदयू अपना देखे ना, मंत्री अब रिजाइन कर रहा है, पद छोड़ रहा है, कहते हमको आवास और मकान नहीं चाहिए, हमको जनता का काम करना है। ईमानदारी से अगर आप कह दें कि एनडीए गवर्नमेंट में किसी भी विधायक का कोई काम नहीं हो रहा है, मैं तो चाहता हूं आप लोग सब लोग आइए और महागठबंधन की सरकार बनाइए, और कांग्रेस में टूट की बात करते थे, अब जदयू के टूट की बात कीजिए और सरकार महागठबंधन की बनेगी और बिहार की विकास की एक नई ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। नहीं, जैसा कि सैनी जी खुद कह रहे हैं, ज्ञानू जी खुद कह रहे हैं, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं, तो उनकी बात को आप गलत मानेंगे? वो देखे होंगे, जानते होंगे तभी। लेकिन निश्चित तौर पर ये सभी जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, इसमें निश्चित तौर पर पैसे का खेल होता है। ये जनता और कुछ नीचे के पदाधिकारी इस तरह की बात हम लोग को बताते हैं, कोई प्रोटोकॉल भी नहीं जानते कि विधायक का क्या प्रोटोकॉल है, मंत्री का क्या है, किसी की बात कोई नहीं सुनते, कोई काम नहीं होता है। आप कोई भी जाइए, मंत्री के सामने भी जाते हैं वो लोग, तो ऐसे बात करते हैं जैसे लगता है कि वही मंत्री हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में कुछ अधिकारियों के कब्जे में पूरा सरकार है, और ये पूरा बिहार ही पदाधिकारियों के कब्जे में हो गया है।